तेल बेचती थी वही तेल बेच, अलका दीदी के पीछे मत पड़, वरना सारा तेल तेरे मुंह के रास्ते पिलाऊंगी, नाक के रास्ते बाहर निकालूंगी, समझ लेना तू। दोस्तों एक औरत है जिसको बोलने का भी तमीज नहीं है, अलका दीदी के पर्सनल मैटर में भी टांग अड़ाती है। पता नहीं क्या अलका दीदी इसका बिगाड़ी, अपने हंसती खेलती खेलती जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है ये। तुम्हारा खुद का परिवार नहीं है, तुम अलका दीदी के पीछे क्यों पड़ी हो बताओ? अपना चैनल का तो नाम डिलीट कर दी, चेंज कर दी नाम, उनके चैनल को खाओगी, है तुम्हारे में दम, खा पाओगी उनका चैनल, पचा लोगी? नहीं पचा पाओगी, क्योंकि इनके पीछे किसका हाथ है पता है? उनकी छोटी सिस्टर, ये अभी रिंकी राय जिंदा है, ठीक है? अपने दम पे मैं बात करती हूँ, दूसरे के दम पे मैं बात नहीं करती हूँ, किसी और के दम से फेमस नहीं हुई हूँ, अपने दम पे फेमस हुई हूँ, अपने जनता के रहमो करम पे फेमस हुई हूँ, ठीक है? और कभी हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ, आप लोग शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा तभी समझ पाइएगा कि हम किस मैटर पे बात करने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं हम अलका दीदी का, जो कि अलका दीदी के चैनल पर स्ट्राइक आया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह सात स्ट्राइक आया है। दोस्तों मेरी और अलका दी से बात हुई है, मैंने इनको बहुत समझाया कि अलका दी आप रो मत, परेशान मत हो, आपके चैनल को कुछ नहीं होगा, और नहीं तो जो फेक स्ट्राइक मारा है वो बंदा आज नहीं तो कल धरा जाएगा, क्योंकि पता चल जाता है किस मेल से किस जगह से आया है, वो जब साइबर के वहां जब केस होता है तो पता चल जाता है, और तो पता चला है कि वो किसी सीएमएस द्वारा से मारा गया है अलका दीदी के चैनल पर सीएमएस के ऊपर। तो हम केस बता दें कि ये जो सीएमएस वाला है जो भी स्ट्राइक मारा है, अगर मान लीजिए हम चैनल चलाते हैं, हमारा मान लीजिए गोरखपुरिया भौजी का नाम से एक चैनल है, एग्जाम्पल में सुन लीजिए, मेरा एक चैनल है, मेरा मैनेजर चला रहा है, चाहे हम कोई काम उससे करे ना करे, आपके वीडियो पर उस चैनल से कमेंट जाता है तो इफेक्ट उस मैनेजर पर नहीं हम पे पड़ेगा, सवाल उस मैनेजर से नहीं हमसे पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा कमेंट क्यों किया था, क्योंकि वो मेरा चैनल है। तो दोस्तों वो बीच में जो है जो स्ट्राइक मारा है, मुझे पता है कि वहां पे काम करने वाला कोई बंदा है जो मारा है स्ट्राइक, और उसका जल्द से जल्द पता लगाया जा रहा है, जिस दिन पता चल जाएगा उसका जमानत भी नहीं होगा, ये भी जान लीजिए आप लोग। आप लोग हमारे कमेंट में आके कह रहे हो कि अलका दीदी का आप सपोर्ट करिए सपोर्ट करिए, मैं अलका दीदी को छोड़ी ही कब हूँ कि उनको मैं सपोर्ट करूँ, मैं तो जिन मतलब दिन रात उनके साथ हूँ, लगी हूँ, मैंने उनसे बात किया, समझाया उनको, दीदी आप चुप हो जाओ, मैं हूँ, मेरे रहते कुछ नहीं होगा, और मैं डंके के चोट पे कहती हूँ जब तक दीपू बेटा मेरा रहेगा ना अलका दीदी को चैनलवा को कुछ नहीं होगा, 110% बोल रही हूँ, अपने ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि 110% मैं बोल रही हूँ कि अलका दीदी के चैनल को कुछ नहीं होगा, उसका चैनल, उनका जो चैनल है वो एकदम सही सलामत उनका चैनल रहेगा और रह जाएगा। और रह गई बात बाई चांस कभी ऐसा मैटर आता है तो अलका दीदी आपको इतना तो विश्वास मेरे ऊपर करना पड़ेगा कि आपकी जो ये छोटी बहन सिस्टर है, बोलने के लिए नहीं बहन मानी हूँ, सिर्फ बोलने के लिए फॉर्मेलिटी के नहीं बहन मानी हूँ, ऐसा ऐसा चैनल 10 दिन में हम खड़ा कर देंगे आपके लिए, बहन आपकी ये छोटी बहन खड़ा कर देगी, ठीक है? मुझे ये वीडियो नहीं बनाना था दोस्तों, लेकिन बहुत लोग जो थे कि कमेंट में मेरे आके लोग बोल रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, दीदी के साथ क्यों नहीं खड़े हो, तो मुझे पब्लिक के लिए अलका दी मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है, सॉरी आपसे इसलिए कह रही हूँ। और अलका दी आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, पहली बात तो आप जब रो रहे हो ना तो पता है आप लोग आपको क्या महसूस हो रहा है, मुझे दूसरे लोग हंस रहे हैं, ये चीज आप मत करो, आप रो मत, आप एक स्ट्रांग गर्ल हो, आप एक स्ट्रांग नारी हो, आप अगर आप नहीं मेरे साथ खड़ी हुई होती ना तो मैं ममता को न्याय नहीं दिलवा पाई होती, मैंने आवाज, मैं मानती हूँ मैंने आवाज उठाया, लेकिन उसमें पूरा निभाया आपने है, मैंने आवाज उठा करके छोड़ दिया क्योंकि लोग मुझे बदनाम करने लगे, मुझे परेशान करने लगे, मुझे धमकी भरी कॉल आने लगे, मैंने छोड़ दिया, जब मैं जान गई सच्चाई, मैं जान गई कि कंप्लेन हो गया, मैं वही चाहती थी, मैंने छोड़ दिया। उस मैटर पर मैंने क्यों वीडियो नहीं बनाया, ये भी हो रहा है कि मैंने उनका वीडियो डिलीट कर दिया है, जाकर के आप सभी लोग देख लीजिए कि मैंने ममता चौहान का एक भी वीडियो डिलीट नहीं किया है, मुझे बस इतना था साफ साफ, मेरा एक ही मांग था कि ममता चौहान किस अवस्था में मरी थी, वो जांच हो, एक निष्पक्ष जांच हो, जो कि हो रहा है, तो क्या फायदा मुझे फड़फड़ाने से, क्या फायदा है, कोई फायदा है? मेरा अपना भी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, मैं अपना वीडियो बना रही हूं, कर रही हूं, डाल रही हूं, ठीक है, मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है बस। और रह गई अलका दीदी की बात, तो अलका दीदी के चैनल पे काम चल रहा है, अलका दीदी को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, मैं बता देती हूँ। और ये जो है ना, क्या बोलते हैं, एक औरत है, मोटी सी है, एक औरत है, उनके पीछे बहुत जी जान लगा करके पड़ी हुई है, तेरा ना तेल मैं तेरे तेल में ही लगा दूंगी, ठीक है ना? तू जहाँ तेल बेचती थी वही तेल बेच,
अलका दीदी के पीछे मत पड़, वरना सारा तेल तेरे मुंह के रास्ते पिलाऊंगी, नाक के रास्ते बाहर निकालूंगी, समझ लेना तू। दोस्तों एक औरत है जिसको बोलने का भी तमीज नहीं है, अलका दीदी के पर्सनल मैटर में भी टांग अड़ाती है। पता नहीं क्या अलका दीदी इसका बिगाड़ी, अपने हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है ये। तुम्हारा खुद का परिवार नहीं है, तुम अलका दीदी के पीछे क्यों पड़ी हो बताओ? अपना चैनल का तो नाम डिलीट कर दी, चेंज कर दी नाम, उनके चैनल को खाओगी? है तुम्हारे में दम? खा पाओगी उनका चैनल? पचा लोगी? नहीं पचा पाओगी, क्योंकि इनके पीछे किसका हाथ है पता है? उनकी छोटी सिस्टर, ये अभी रिंकी राय जिंदा है, ठीक है? अपने दम पे मैं बात करती हूँ, दूसरे के दम पे मैं बात नहीं करती हूँ। किसी और के दम से फेमस नहीं हुई हूँ, अपने दम पे फेमस हुई हूँ, अपने जनता के रहमो करम पे फेमस हुई हूँ, ठीक है? और कभी भी ना कुछ भी काम करना, ब्लैकमेल करवा रही हो, ब्लैकमेल दोस्तों ये ब्लैकमेल करवा रही है औरत कि कंप्लेन वापस ले ले तब मैं तेरा स्ट्राइक हटवाऊंगी। अरे काहे का कंप्लेन वापस लेंगी अलका दीदी, कमाई खाती है तेरा? कोई कंप्लेन आप वापस नहीं ले रही हो अलका दीदी, बता देती हूँ, कोई कंप्लेन वापस नहीं लेना है आपको, लेना भी मत। और जो भी मैटर है वो मैं आपसे कॉल पे बात कर लूंगी, समझ जाएंगे सब लोग, ठीक है? मैं बस अपने पब्लिक को बताना था कि मैं बता दूं अलका दीदी के चैनल पे कुछ होने वाला नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है? अलका दीदी का चैनल जैसे था वैसा ही रहेगा। फेक स्ट्राइक से किसी का चैनल डिलीट होता है, जेन्युइन स्ट्राइक अगर आ गया यूट्यूब के द्वारा से, अगर जेन्युइन स्ट्राइक आ गया ना तो 3 स्ट्राइक आते आते चैनल टर्मिनेट हो जाता है। वो तो 7 स्ट्राइक आ गया है, इसी से नहीं पता चल रहा है फेक स्ट्राइक है? उनको लोग परेशान कर रहे हैं, उनको लोग उनकी आवाज को दबा रहे हैं, लेकिन एक शेरनी है वो, जब दहाड़ेगी ना समझ में आ जाएगा।